वेलकम टू द लेक्चर ऑफ हाईवे हमारी रिजिड पेमेंट चल रही है ठीक है तो हम रिजिड पेमेंट में हमारे आज पढ़ रहे हैं हमारे जॉइंट्स ओके okay? हमारे जॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं वो देखेंगे तो सबसे पहले हमारे जॉइंट जो हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं ट्रांसवर्स जॉइंट और लॉन्गीट्यूडनल जॉइंट ठीक है जो हमारी रोड होगी उसके ट्रांसवर्स जो जॉइंट होंगे और उसके लॉन्गीटूडनल जो जॉइंट होंगे ठीक है उसकी एक्सिस की डायरेक्शन में जो हमारे जॉइंट्स होंगे और उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो हमारे जॉइंट होंगे ठीक है तो इन दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ये अगर हमारी रोड लेंथ है तो जो ये वाले जॉइंट होते हैं इनको बोलते हैं लॉन्गीट्यूडनल जॉइंट्स ठीक है अगर एक स्लैब ये है और एक स्लैब ये है हमको हमारी जो रोड विड्थ रखनी है ठीक है जो हमारी सीमेंट कंक्रीट की रोड विर्थ है वो हमें एक स्लैब की जितनी हमारी विर्थ होती है हो उससे ज़्यादा रखनी है तो हम दो स्लैब प्रोवाइड करा देते हैं तो वो टू लेन वर्क करता है एज अ टू लेन ठीक है तो जो यहाँ पे जॉइंट्स होते हैं इनको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडल जॉइंट्स अलॉन्ग लेंथ और जो हमारे ये वाली डायरेक्शन में होते हैं पोपेंडिकुलर टू द लेंथ ठीक है लेंथ ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ये वाली डायरेक्शन में इनको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स जॉइंट ओके मतलब एक स्लैब को दूसरी स्लैब से जो कनेक्ट करेगा अल्टीमेटली उसको बोल देंगे हम ट्रांसफर जॉइंट तो अभी जो ट्रांसफर जॉइंट होते हैं वो कौन कौन से टाइप के होते हैं एक होता है हमारा एक्सपेंशन जॉइंट एक होता है कॉन्ट्रेक्शन जॉइंट और एक होता है कंस्ट्रक्शन जॉइंट ओके कंस्ट्रक्शन जॉइंट का मेन पर्पज़ क्या होता है एट दी एंड ऑफ द वर्क जब शाम का टाइम होता है तो मार्क करके चले जाते हैं जॉइंट कि हमने यहाँ तक वर्क कर लिया है ठीक है तो ये एक तरीके से मार्क करने के लिए होता है कंस्ट्रक्शन को कि कहाँ तक हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया हमें कहाँ से नेक्स्ट डे स्टार्ट करना है ओके okay. अभी फर्स्ट हम देखते हैं हमारा एक्सपेंशन ज्वाइंट क्या होता है इसका पर्पज क्या है एक्सपेंशन ज्वाइंट का कि ये अलाउ करता है एक्सपेंशन पेमेंट का कि पेमेंट का जो एक्सपेंशन होगा उसको अलाउ करता है पेमेंट का एक्सपेंशन क्यों होगा क्योंकि टेम्परेचर में क्या हो सकता है राइज हो सकता है जो हमने रोड कंस्ट्रक्ट करी है वो हमने विंटर में कंस्ट्रक्ट करी है ठीक है रिज्यूम करके चलते हैं हमने विंटर में रोड बनाई है तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा कम होगा अभी जब समर आएगा तो टेम्परेचर क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा इसकी कंपेरिजन में टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा समर में और हमारी रोड क्या करेगी जो हमारी सीमेंट कॉन्क्रीट की पेवमेंट है वो क्या होगी एक्सटेंड होने की एक्सपेंशन होगा उसमें एक्सटेंशन होगा ठीक है तो इसलिए हम वहाँ पर एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारी जो पेवमेंट है वो प्रॉपर क्या हो सके एक्सपेंड हो सके ठीक है विद रिस्पेक्ट टू द कंस्ट्रक्शन टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कंस्ट्रक्शन करा है उस टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो पेमेंट का एक्सपेंशन होगा और उसकी वजह से हमें क्या देना पड़ेगा एक्सपेंशन जॉइंट जनरली वी ट्राइड फाइंड आउट द स्पेसिंग ऑफ अ जॉइंट जो स्पेसिंग होती है ठीक है इसकी टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर होती है गैप जो होता है मैक्सिमम एज़ पर द आई आर सी स्पेसिफिकेशंस देखो अगर हमारा एक्सपेंशन जॉइंट ही है ये हमारी एक पेमेंट है ये हमारी दूसरी पेमेंट है ठीक है डेट मीन स्लैब ओके पेमेंट ही स्लैब ये हमारी एक स्लैब है और ये हमारी दूसरी स्लैब है इन दोनों स्लैब के बीच में जो हम एक्सपेंशन के लिए गैप रखते हैं ठीक है वो क्या मैक्सिमम गैप कितना हो चाहिए टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर का गैप का एक्स स्पेसिफिकेशन है आई ने जो दिया है ओके okay. अभी मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन द एक्सपेंशन जॉइंट एज पर द आई आर सी वन फोर्टी मीटर इसका क्या मतलब हुआ कि ये पूरी एक स्लैब हो गई और ये एक हमारी पूरी रोड है ठीक है ये हमारी पूरी क्या है एल लेंथ की हमारी रोड है तो इसमें जो एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करेंगे वो कितने कितने डिस्टेंस पे प्रोवाइड करेंगे ये तो गैप हो गया कितना गैप होगा और कितनी दूरी पे प्रोवाइड करेंगे हम ठीक है अगर 150 अगर हम आ, एक हज़ार पाँच सौ मीटर की लेंथ की बात करें तो इसमें कितने हमारे एक्सपेंशन ज्वाइंट होने चाहिए ये उस चीज को बता रहे हैं ये बता रहा है कि मैक्सिमम स्पेसिंग जो होनी चाहिए एक्सपेंशन ज्वाइंट के बीच की एक जॉइंट हमने यहाँ प्रोवाइड करा एक यहाँ एक यहाँ तो इन दोनों के बीच की जो मैक्सिमम स्पेसिंग होनी चाहिए वो वन फोर्टी एम मीटर होनी चाहिए ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए कि वन फोर्टी मीटर से ज़्यादा दूरी पे एक्सपेंशन ज्वाइंट दिया हुआ है इनके ही अंदर ही होनी चाहिए वन फोर्टी मीटर यहाँ पे ऐसे नहीं हो चाहिए वन फोर्टी वन मीटर की दूरी पे हम एक्सपेंशन जॉइंट नहीं देंगे इसके अंदर देंगे एज पर आई आर सी ओके अभी next क्या, next में क्या है एक्सपेंशन जॉइंट में हम डबल बार्स यूज करते हैं ठीक है विच डेवलप्स बेंडिंग बियरिंग स्ट्रेस ये क्या करता है बेंडिंग स्ट्रेस को बियरिंग स्ट्रेस को शेयरिंग स्ट्रेस को लेता है डेवलप करता है लेता है और क्या करता है लोड को ट्रांसफर करता है ठीक है वन एंड ऑफ द डबल बार्स इज बॉन्डेड विद्रीट एंड अदर इज फ्री देखो इसका क्या मतलब है ऐसे रहता है हमारा ज्वाइंट ये हमारी एक पेमेंट है ये हमारी विड है पूरी पेमेंट की ठीक है ये विड शो करिए हमारी पेमेंट है और यहाँ पे हमने ये दिया ये जो गैप है ये हमने एक्सपेंशन के लिए दिया हुआ है फिर इधर से हमारी रोड कंटिन्यू होगी ठीक है उधर हमारी दूसरी है अभी ये रोड आगे से कंटिन्यू होगी तो अभी ये क्या है ये हमारा बार है जो ये बोल रहे हैं डबल बार ठीक है तो ये बार है ये यहाँ पे क्या रहता है फिक्सड रहता है इस पर एक साइड फिक्स जाएगा और यहाँ पे ऐसे करके स्पेसिंग रहती है और ये बार की लेंथ ऐसे आगे तक आ जाती है इतना डिस्टेंस यहाँ पे जगह छोड़ी हुई थी क्यों जब ये एक्सपेंड होगी तो ये आगे बढ़ेगा यहाँ पे आ जाएगा कुछ बढ़ के और फिर यहाँ पे टच कर जाएगी ठीक है तो इतनी हम यहाँ पे स्पेसिंग छोड़ते हैं जितना एक्सपेंशन हमें दोनों तरफ से हमने ले लिया होता है ठीक है हमने एस्टिमेट कर लिया होता है कि इतना हो सकता है हमारा अभी यहाँ पे ऐसे खाली जगह नहीं छोड़ी जाएगी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दिखेगी रोड पे कि खाली जगह यहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट है यहाँ पे क्या फिल करते हैं यहाँ पे फिलर करते हैं यहाँ पे ठीक है यहाँ को यहाँ पे फिल कर देते हैं यहाँ पे फिलर मटेरियल फिल कर देते हैं इधर भी और इधर भी और जो फिलर मटीरियल फिल करते हैं वो ऐसा होता है कि फिफ्टी परसेंट तक क्या हो सकता है कंप्रेस हो सकता है ठीक है क्वेश्चन है ना कि अगर फिलर मटेरियल भर दिया तो फिर ये एक्सपेंड कैसे होगा ये फिलर मटेरियल ऐसा फील करेंगे यहाँ पे कि ये कंप्रेस हो सकता है फिफ्टी परसेंट तक ओके okay. अगर ये हमारी लेंथ है डेल्टा लेंथ है अगर हमारी ये तो ये कितना एक्सपेंशन अलाउ है तो इन पेमेंट को जो अलाउ एक्सपेंशन है जितना एक्सपेंड कर सकते हैं वो हो गया हमारा डेल्टा बाई टू ठीक है तो हमारा पॉइंट क्या डिस्क्राइब कर रहा रहे है वाला वन एंड ऑफ द डबल बार इज बॉन्डेड विद द कॉन्क्रीट हे इट इज फिक्स इन कॉन्क्रीट दैट मीन्स बॉन्डेड इन कॉन्क्रीट एंड द अदर एंड इज फ्री एंड द अदर एंड इज फ्री सो दैट एक्सपेंशन मे बी अलाउड इन दिस पर्टिकुलर जॉइंट ओके फिलर आर प्रोवाइड टू सील द एक्सपेंशन जॉइंट द फिलर इज प्रोवाइडेड टू सील द एक्सपेंशन जॉइंट और दीज फिलर्स आर एज्यूम्ड टू बी कंप्रेस्ड फिफ्टी परसेंट To their thickness, 50 of their thickness. That means, टू देयर थिकनेस फिफ्टी परसेंट ऑफ देयर थिकनेस दैट मीन्स ये डेल्टा बाई टू तक ही अलाउड है इतना एक, ये कंप्रेस हो सकता है ओके ऑफ देयर थिकनेस हैंज द गैप ऑफ जॉइंट शुड भी ट्वाइस इन द एक्सपेंशन ज्वाइंट ऑफ द कांक्रीट सो हमें अगर हमें अगर ये एक, इनका एक्सपेंशन अगर पेमेंट का एज्यूम करते हैं अगर टू सेंटीमीटर इनका एक्सपेंशन होना है तो जो हमें जॉइंट की जॉइंट में डिस्टेंस देनी होती है वो हमें कितनी देनी होती है फोर सेंटीमीटर देते हैं और फिर इसमें फिलर फिल कर देते हैं ताकि चार सेंटीमीटर हम अगर स्पेस देंगे और फिर फिलर, फिलर फिल करेंगे तो फिलर से फिफ्टी परसेंट ही कंप्रेस होगा दैट मीन पचास परसेंट फिलर रह जाएगा और इनका फिफ्टी परसेंट क्या हो जाएगा ये आराम से एक्सपेंड कर सकती है ओके दैट्स वाई इट इज रिटर्न हेयर शुड बी ट्वाइस इन द एक्सपेंशन ज्वाइंट ऑफ कॉन्क्रीट अगर समझ में आ रहा है तो रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है अपनी लैंग्वेज में लिख के आना है ओके okay? तो अब यहाँ पे जो एल है एल इज असिंग बिटवीन द एक्सपेंशन ज्वाइंट अभी हम निकालते हैं कि हमारे एक्सपेंशन ज्वाइंट में क्या होगा देखो अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो हमारी चेंज इन लेंथ होती है ठीक है डेल्टा एल निकालते थे या वी कैंड से डेल्टा ये कितना होता था एल एल्फा डेल्टा टी दैट मीन्स एल लेंथ की बात कर रहे हैं एल हमारे दो जॉइंट के बीच में जो है ठीक है एक्सपेंशन जॉइंट के बीच की लेंथ एल एल्फा क्या होता था हमारा कॉफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन और डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ने पे राइट तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे जो डेल्टा है और ये डेल्टा ये कितना हाफ ही होगा क्योंकि फिफ्टी परसेंट ही कंप्रेस हो सकता है तो डेल्टा बाई टू इक्वल्स टू एल एल्फा डेल्टा टी राइट हमने ऐसे क्यों लिखा पता है क्योंकि फिफ्टी परसेंट ही जो मटेरियल है वो कंप्रेस होगा उसे आगे नहीं होगा तो हम यहाँ से अपनी एल लेंथ निकाल सकते हैं या फिर डेल्टा की वैल्यू निकाल सकते हैं एल इक्वल्स टू डेल्टा पॉइंट टू ये नीचे चला जाएगा एल्फा डेल्टा टी ठीक है तो हमारी जाती है लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ़ एक्सपेंशन जॉइंट के बीच की लेंथ या फिर एल इज द स्पेसिंग द एक्सपेंशन जॉइंट क्लियर गैप ऑफ एक्सपेंशन थर्मल ऑफ एक्सपेंशन और हेयर डेल्टा चेंज इन टेम्परेचर तो